हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यह आपको एपी डिटरमाइन करना है, बराबर. और गिवन थिंग्स क्या है, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म गिवन है आपको. अब थर्ड टर्म यानी A3, बराबर. A3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 5, एंड सेवन टर्म इज A7 आपको गिवन, जो कि है 9. ओके, अब आपको एपी डिटरमाइन करने के लिए तो सबसे पहले दो चीज़ें ज़रूरी है. क्या, कि आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन थिंग्स का यूज़ करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको पता है nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बराबर. सो अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या होगा ये फॉर्मूला, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी. सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. ओके, सिमिलरली a7 के लिए आप किस तरह लिखोगे, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू डी. ओके, सो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे और सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे. ओके, अब ऑलरेडी आपको a3 पता है और a7 भी पता है, तो आप इन दो वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे. ओके, सो वी नो क्या होता है, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d. ओके, दैट इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. ओके, और a7 आपको पता है क्या होता है, a प्लस 6d. ओके, a प्लस 6d. सो दिस इम्प्लाइज दैट a7 की वैल्यू कितनी है, 9, विच इज इक्वल टू a प्लस 6d. सिर्फ हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया गिवन थिंग्स के अकॉर्डिंग और उस फॉर्मूला में a3 और a7 की वैल्यू पुट की. ओके, अब यहाँ पर आप 9 इज इक्वल टू a प्लस 60 को किस तरह से लिखोगे, दैट इज a प्लस 60 इज इक्वल टू 9. ओके, अब आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस मिली हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो ये कौन सी इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, सो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करना है, आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा है, बराबर. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स दिए हैं, तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 6d इज इक्वल टू 5 इंटू 3 मीन्स 15. ओके, यानी एक और नई आपको इक्वेशन यहाँ पर मिली है, ठीक है. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, या इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2. सो देखो क्या होगा यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, 3a प्लस 60 इज इक्वल टू 15 माइनस a प्लस 60 इज इक्वल टू 9. ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सब्सट्रैक्शन इन दोनों का, 3a माइनस a मीन्स 2a प्लस 60 माइनस 60 0 इक्वल टू 15 माइनस 9 क्या होगा, प्लस 6. ओके, देयरफॉर आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 6. ओके, 2a इज इक्वल टू 6, देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ पर क्या होंगे आपकी, 6/2. ओके, और 6/2 मीन्स 3. ओके, सो यहाँ पर a बराबर कितना होगा, a इज इक्वल टू 3. ओके, इस तरह से आपको a की वैल्यू यहाँ पर मिली. अब
आपको क्या करना है कि a इज इक्वल टू 3 किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है तो आपको d की वैल्यू मिलेगी। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट की तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर। इक्वेशन 2 है a प्लस 60 इज इक्वल टू 9। ओके देयर फोर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3, a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 60 इज इक्वल टू 9 बराबर। देयर फोर 60 इज इक्वल टू 9 माइनस 3। ओके देयर फोर 60 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 मीन्स 6 एंड देयर फोर d इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 एंड दिस क्यूज 1। ओके देयर फोर आपको यहाँ पर d क्या मिला, d इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पर a पता है, a कितना है, a इज इक्वल टू 3 और एंड d इज इक्वल टू 1। और अगर आपको a और d गिवन हो तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर सकते हो बराबर। सो किस तरह से फॉर्म करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको जनरल फॉर्म पता है a a प्लस टी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें बस a और d की वैल्यूज पुट करना है तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। सो a की a मीन्स 3, a प्लस d मीन्स 3 प्लस d दैट इज 3 प्लस 1 विच इज 4, a प्लस 2d मीन्स a इज 3 सी हियर a इज 3 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 1 सो क्या मिलेगा आपको 3, 2 वंस आर 2 दैट मीन्स 5। ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपको, आपको 5 3 4 5 एंड सो दिस इज रिक्वायर्ड ap, दिस इज रिक्वायर्ड ap। एग्जाम्पल है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके सो इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या है कि ऐसे कितने टू डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ओके सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टू डिजिट नंबर्स की लिस्ट बना लेंगे जो कि 3 से डिविजिबल है बराबर। अब आपको पता है टू डिजिट नंबर्स तो कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से बराबर। 10 से कहाँ तक, 100, 10 से 100 तक, सॉरी 100 नहीं 99 तक। 100 तो 3 डिजिट नंबर होगा बराबर। सो 10 से 99 तक या टू डिजिट नंबर होंगे। अब 10 के बाद 11 जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से, 12 डिविजिबल है बराबर। 12 के बाद 13 भी नहीं है, 14 नहीं है, 15 है जो कि 3 से डिविजिबल है बराबर एंड सो ऑन। ओके आगे बीच में इतने सब नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सो सॉल्यूशन द लिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ओके सो सबसे पहला जो टू डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है वो है 12। ओके सो 12 नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल है 3 से वो है 15, नेक्स्ट 18 होता है एंड सो ऑन, और लास्ट कौन सा है 99। ओके सो ये आपकी नंबर्स की लिस्ट जो 3 से डिविजिबल है। ओके अब आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पर अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है लिस्ट क्लियरली बराबर, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है बराबर। सो क्लियरली अबो लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। सो a इज इक्वल टू वॉट 12, d इज इक्वल टू कितना है 3 एंड एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है जो कि है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पर 99। ओके अब देखो यहाँ पर आपको नंबर्स की लिस्ट तो पता हो गई कि जो 3 से डिविजिबल है बराबर। अब आपको मालूम क्या करना है कि इस लिस्ट में टोटल नंबर्स कितने हैं बराबर। सो नंबर्स मालूम करना है, टोटल नंबर्स मालूम करना या टोटल टर्म्स इस लिस्ट में कितने हैं ये मालूम करना है, यानी सिंपली आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो
किस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 99 तक आप काउंट करोगे, कितने टोटल टर्म्स हैं इसमें, बराबर। पर ये हर बार पॉसिबल थोड़ी ना होगा काउंट करना। इसलिए जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, 5.2 के इंट्रोडक्शन में, लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, उस कंसेप्ट का आपको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। कि अगर आपको किसी एपी का लास्ट टर्म पता हो और आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो, बराबर। तो आपको यहाँ उस फॉर्मूले को यूज़ करना है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का। तो आपको मालूम होगा कि 12 से 99 के दरमियान कितने टू डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, ओके। सो लास्ट टर्म को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होता है, बराबर। ये आपका फॉर्मूला है, आप यहाँ पर एम भी यूज करो, एन यूज करो, कोई बात नहीं, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पर जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे, यहाँ पर रीराइट करते वापस कन्फ्यूज ना हो, इसलिए एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ओके। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एल कितना है 99, ए की वैल्यू है 12 प्लस एम आपको पता नहीं है, एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 3, ओके। अब यहाँ एम की वैल्यू मालूम करना या फाइंड आउट करना, यानी आप सिंपली क्या मालूम कर रहे हो कि 12 से 99 तक कितने नंबर्स हैं या कितने टर्म्स इस लिस्ट में हैं वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बराबर। एम की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी सिंपली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि 12 से 99 तक टोटल कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू एम इज 3m माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 इज 3, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3m माइनस 3, सो दिस गिव्स 87 इज इक्वल टू 3m माइनस 3, सो दिस गिव्स 87 प्लस 3 इज इक्वल टू 3m एंड दिस इम्प्लाइज दैट 87 प्लस 3 मीन्स 90 इज इक्वल टू 3m एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, सो दिस इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पर m की वैल्यू आपको क्या मिली, 30, ओके। m सो यहाँ आपको m की वैल्यू कितनी मिली, m इज इक्वल टू 30, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में m की जगह पे n यूज़ किया है, फॉर्मूला यहाँ पर किस तरह से यूज़ किया है टेक्स्ट बुक में, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, आप चाहे तो वो यूज़ कर सकते हो, ये दोनों भी करेक्ट एक्चुअली। सो m इज इक्वल टू 30, ओके। सो देर आर 32 digit numbers which are divisible by 3.